बिहार बोर्ड 11वीं का थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन स्कूल में सिर्फ 6 दिन ही चलेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो खाली सीट होगा वो किसी और छात्र को दे दिया जाएगा, क्योंकि आपको जान लीजिए कि थर्ड मेरिट लिस्ट जो सभी छात्रों का है वो एडमिशन का अंतिम मौका है, उसके बाद जो है स्पॉट एडमिशन जो है वो बिहार बोर्ड शुरू कर देगी। तो यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट में कोई स्लाइड अप आपको नहीं करना है, यानी कि जो स्कूल आपको मिला है उस स्कूल में जाकर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, क्योंकि ये आपका मेरिट लिस्ट के अंतर्गत जो एडमिशन होता है वो थर्ड मेरिट लिस्ट लास्ट होता है। इसके बाद जो है फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो सीट बची रह जाएगी उसके बाद स्पॉट एडमिशन का मौका जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। जो छात्र ऑनलाइन नहीं कर पाए या जिनका एडमिशन नहीं हो पाया उन छात्रों के लिए स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा किस तरह से आपको थर्ड मेरिट लिस्ट में स्कूल का नाम देखना है, कब से कब तक आपका स्कूल में जाकर एडमिशन ले लेना है, ताकि लास्ट डेट अगर निकल गया तो आपका एडमिशन नहीं होगा तो किसी दूसरे को सीट मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सारी जानकारी यहां पर दी जाएगी। इंटीमेशन लेटर कैसे डाउनलोड करना है थर्ड मेरिट लिस्ट का, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 11th की हर अपडेट सबसे पहले आपको यहां पे मिलती रहे। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी कि कैसे आपको एडमिशन लेना है थर्ड मेरिट लिस्ट के अंतर्गत, क्या आपको इंटीमेशन लेटर कैसे डाउनलोड करना है और स्पॉट एडमिशन कब से कब तक चलेगा, उसका भी अपडेट आपको पूरी जानकारी यहां पे दी जा रही है। आपको पता है कि एडमिशन जो है यहां पे थोड़ा सा लेट चला है, इस वजह से थर्ड मेरिट लिस्ट में भी आपको मात्र 6 दिन का ही मौका दिया जाएगा और इसका डेट जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्पॉट एडमिशन जो है वो यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को शुरू करना है, और उसके बाद जैसे ही मेरिट लिस्ट और स्पॉट एडमिशन खत्म होगा फिर मासिक परीक्षा भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 11th का भी शुरू कर देगी, ठीक है। इसलिए आपको इसी महीना जो है वो प्रक्रिया जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और स्कूल जो है वो यहाँ पे पढ़ाई स्कूल में शुरू हो जाएगा 11th का, ठीक है। तब ध्यान से देखेंगे थर्ड मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है। और वैसे छात्र जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है उनको घबराना नहीं है कि सर मेरा थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, आपको यहाँ पे आखिरी मौका स्पॉट एडमिशन का भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको स्पॉट एडमिशन का वेट करना है। सिर्फ 6 दिन बाद जो है वो स्पॉट एडमिशन भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शुरू कर देगी, लेकिन जिनका नाम है उनको 100% आपको एडमिशन यहां पे करा लेना है, ठीक है। सीधे आपके वेबसाइट पे लेके चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे सीधे आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट का और स्पॉट एडमिशन की जानकारी के लिए गूगल में आके biharnotices.in इस तरीके से सर्च करना है। जैसे ही biharnotices.in सर्च करेंगे आपके सामने देखिएगा सबसे पहले जो पेज खुलकर सामने आएगा इस तरह का पेज खुलेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, सबसे पहले 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ आएगा, एडमिशन पे आपको क्लिक करके सीधे 11th एडमिशन पे जाना होगा। 11th एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड मेरिट लिस्ट लिखा हुआ आएगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट का यहाँ पे आपको अपडेट यहाँ पे खुल जाएगा, जहाँ से आप थर्ड मेरिट लिस्ट का कटअप और यहाँ पे इंटीमेशन लेटर जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो भी छात्र थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन लेने जा रहे हैं वो ध्यान देंगे कि अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट का कटअप सेकेंड मेरिट लिस्ट से कम गया है और सेकेंड मेरिट लिस्ट से कम गया है इसके कारण जो है जिन छात्रों को जो स्कूल मिल रहा है उस स्कूल में आपको एडमिशन ले लेना है। आपको स्लाइड अप का मौका यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। बिहार बोर्ड 11th थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है तो या आने के बाद आपको स्कूल पसंद नहीं है तो आपको स्पॉट एडमिशन करवाना होगा, साफ साफ बोला गया है, जो थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन पूरा होने पे होगा, यानी थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन खत्म होने पर स्पॉट एडमिशन शुरू कर दिया जाएगा, जिसका लिंक भी आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे की ओर जाएंगे तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी का आप थर्ड मेरिट लिस्ट के तहत जो है वो यहाँ पे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी दिया गया है, तो डॉक्यूमेंट्स आपको देख लेना है, यही डॉक्यूमेंट्स थर्ड मेरिट लिस्ट में भी आपको लगेगा और यहाँ पे स्पॉट एडमिशन के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगेंगे। फी की बात कर ली जाए तो फी जो है वो थर्ड मेरिट लिस्ट का 1800 से 2000 रुपये रखा गया है और स्पॉट एडमिशन की फी थोड़ा हाई लगेगा, इसलिए थर्ड मेरिट लिस्ट में ही आप लोग कोशिश करेंगे अपना अपना एडमिशन जो है वो यहाँ पे करा लें। नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ पे लिंक मिलेगा, थर्ड मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक है, इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का लिंक है,
कटअप डाउनलोड करने का लिंक है और नीचे आपका स्पॉट एडमिशन का भी लिंक दिया गया है, ठीक है, जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो फटाफट लिंक पे क्लिक करके पूरी जानकारी यहाँ पे पढ़ लें। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, तो जाइए biharnotices.in सर्च कीजिए और जैसे मैं यहाँ पे बताया उस तरीके से अपना डाउनलोड करके आप फटाफट एडमिशन ले लें और स्पॉट एडमिशन की जानकारी भी यहाँ पे देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर जरूर करें।